हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल नंदन किंग्स पाठशाला। तो दोस्तों कैसे हैं आप, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन फोर्थ, अनिता फिट्स अप्पू। अनिता एक लड़की का नाम है, अप्पू एक हाथी का नाम है। तो अनिता अप्पू हाथी को कुछ खिलाती है। तो हैव यू सीन एन एलिफेंट, क्या आपने कभी हाथी को देखा है? हाँ बिल्कुल देखा ही होगा। तो ये सब क्वेश्चन को छोड़ के हम सीधा आते हैं पहली लाइन पर, और पहली लाइन ये रही आपके स्क्रीन के ऊपर। अनिता इज वेरी एक्साइटेड टुडे, आज अनिता बहुत ज्यादा उत्साहित है, बहुत ज्यादा खुश है। She has read a story about Appu the elephant and seen an elephant in the movies. वो बहुत खुश क्यों है? क्योंकि उसने जो है अप्पू यानी कि एलिफेंट के बारे में अभी तक सिर्फ किताबों में पढ़ा है, या फिर उसने हाथी को मूवीज यानी कि फिल्मों में, या फिर कार्टून शो जो कि टीवी में आते हैं जो बच्चे देखते हैं अधिकतर, तो उनमें ही देखा है उसने हाथी को। या तो सिर्फ मूवी में देखा है, या फिर टीवी शो में देखा है, या फिर बुक्स में पढ़ा है उसके बारे में, लेकिन कभी देखा नहीं। तो आज वो इतनी खुश इसलिए है क्योंकि आज अपनी आंखों से वो एक असली हाथी देखने वाली है। बट टुडे शी इज सरप्राइज टू सी अप्पू एट हर डोर, लेकिन आज वो इसलिए खुश है, इसलिए सरप्राइज है क्योंकि आज एक अप्पू नाम का हाथी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा है। तो उसको उसके लिए वो बहुत उत्साहित है। और देखिए फोटो में दिख रहा है आपको, ये हाथी खड़ा है अप्पू, और ये अनिता है, ये इसको हाय बोल रही है। तो अप्पू भी इसको अपनी सुन से हाय बोल रहा है। देखो तो अनिता क्या बोलती है, माँ माँ गिव मी सम बनाना देन शुगर कैन, मम्मी मम्मी मुझे कुछ बनाना और गन्ने दो, I want to feed अप्पू, मुझे अप्पू को खाना खिलाना है। फीड यानी कि खिलाना, मुझे अप्पू को खिलाना है। माँ what are you talking about, तुम क्या बात कर रही हो? अनिता माँ you won't believe it, माँ तुम मेरी बात का भरोसा नहीं करोगी, तुम विश्वास नहीं करोगी मेरी बात का। अप्पू द एलिफेंट इज our गेट, अप्पू जो हाथी है वो हमारे गेट के बाहर खड़ा है। तो माँ शौक हो जाती है, अप्पू द एलिफेंट anxiously मतलब कि शौकिंग, मतलब वो भी शौक हो जाती है, क्या बात कर। Where is your father, तुम्हारे पिताजी कहाँ है? पूछती है कौन, माँ पूछती है अनिता को कि तुम्हारे पिताजी कहाँ है। तो अनिता क्या बोलती है, ही इज राइट देयर आउटसाइड एंड भैया इज गिविंग अप्पू सम वाटर टू ड्रिंक। तो वो बिल्कुल बाहर ही खड़े हैं, और भैया यानी कि बड़े बड़े भाई को बोलते हैं, भैया अप्पू को कुछ, अप्पू को थोड़ा पानी पिला रहे हैं, पीने के लिए पानी दे रहे हैं। ओ माँ ही कैन ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो, वो एक ही बार में अपनी सूंड से पूरे बाल्टी का पानी, बकेट यानी क्या होता है, बकेट फुल यानी कि बाल्टी से पूरा पूरा भरा हुआ पानी, एक ही बार में करके पूरा पानी पी जाता है वो। तो अनिता बता रही है उसकी मम्मी को, एंड ही कैन ईट अ होल ट्री एट वन गो, और पूरे एक ही बार में पूरा ट्री खा जाता है, ट्री यानी कि शुगर केन ट्री की बतौरी। अनिता यस यस आई वांट टू फीड द एलिफेंट, और बहुत खुश हो गई वो, हाँ हाँ मुझे आपको खाना खिलाना है, मुझे खिलाना है आपको। कैन आई टेक दिस बनाना एंड शुगर केन टू फीड हिम, क्या मैं ये बनाना यानी कि केले, क्या मैं ये केले और शुगर केन यानी कि गन्ने, क्या मैं ये केले और गन्ने लेके जाके उसको खिला दूं? तो माँ क्या बोलते, हाँ ओ यस एंड हाँ बिल्कुल, एंड टेक सम लीव्स ऑफ द बनाना ट्री फ्रॉम द कोर्टयार्ड, और हमारे कोर्टयार्ड में से यानी कि आंगन में से बनाना के ट्री के पत्ते भी लेके जाना, यानी कि केले के पत्ते। अगर आपने देखे हो केले के पत्ते हरे हरे कलर के जो बड़े रहते हैं, हाँ तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही है केले के पत्ते जो बड़े होते हैं, तो ये है केले के पत्ते। तो अनिता क्या बोलती है, थैंक यू माँ, माँ को थैंक यू बोलती है। तो माँ क्या बोलती है, कम आई विल गो विद यू, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, इट्स फन टू वॉच एन एलिफेंट, तो ये हाथी को देखना एक बहुत अच्छा, बहुत मजा आता हाथी को देखने में, उसकी मम्मी को भी। एन एलिफेंट गोबलिंग अ फूड, अगर एलिफेंट कुछ अपनी सूंड से उठा के अपने मुंह में रखता है खाता है, तो उसको देखना बहुत मजा आता है, चलो मैं भी चलती हूँ। तो महावत विल बी हैप्पी इफ यू फीड द एलिफेंट, महावत यानी कि जो हाथी को कंट्रोल करता है, जो हाथी को ऑपरेट करता है, उसको बोलते हैं महावत, हिंदी में तो महावत बोलते हैं, अब इंग्लिश में क्या MHOUT महावत पता नहीं कुछ है, लेकिन आप महावत ही पढ़ लेंगे इसको। द महावत विल बी हैप्पी इफ वी फीड द एलिफेंट, अगर हम एलिफेंट को खाना खिलाएंगे तो वो बहुत खुश होगा। तो ये देखिए फोटो में दिख रहा है आपको, एक हाथी केले लेके खड़ा है, इसकी सूंड में उसने केले पकड़ रखे हैं। अनिता माँ सी हाउ द एलिफेंट इज टेकिंग द बनाना इन हिज ट्रंक एंड पुटिंग देम इनटू हिज माउथ, माँ देखो तो एक हाथी, ये हाथी अपनी सूंड से बनाना को कैसे लेकर अपने मुंह में रख रहा है, पुटिंग देम इन हिज माउथ यानी कि अपने मुंह में रख रहा है, पुट कर रहा है, पुट ने रखना माउथ ने मुंह में रख रहा है। तो ये फोटो में आप देख रहे हैं इसने सूंड से जो है इसने ये केलों को पकड़ रखा है, और यहाँ से लेके वो यह दांत के नीचे इसका मुंह है यहाँ पे उसको रख लेगा, यहाँ पे खा लेता है वो पूरा नारियल भी खा जाता है, आपको पता है नारियल का ऊपर कितना कड़क रहता है, वो भी खा जाता है हाथी, बहुत खतरनाक रहते हैं, मतलब कुछ भी खा लेते हैं लोग। ही इज यूजिंग हिज टंग लाइक हैंड, और वो अपनी टंग यानी कि सूंड को अपने हाथ की तरह इस्तेमाल कर रहा है, अपन हाथ से खाते हैं और ये सूंड से खाता है, तो ये सूंड को हाथ की तरह इस्तेमाल कर रहा है, समझ रहे माँ, ओ यस यस ही हाँ कर रहा है। तो माँ क्या बोल रही है, माँ को दिख रहा है, मतलब उसकी भी आंखें हैं तो उसको दिख रहा होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। यहाँ नीचे देखिए स्टार भैया लिखा हुआ है, यानी कि वहाँ पे अपन ने पहले देखा था, तो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर जहाँ भैया लिखा होता है यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, और भैया जो है थोड़ा टेढ़ा लिखा हुआ, बाकी सारे लेटर से अलग दिख रहा है थोड़ा, क्यों ऐसा क्यों?
अच्छा इसलिए क्योंकि इसका जो मीनिंग है आप लोग को अगर समझ में ना आए तो उसका मीनिंग ये लोग देते हैं, तो इसका मीनिंग कहाँ देते हैं लोग हमेशा चैप्टर के नीचे, कभी भी ध्यान रखना आगे अगर ऐसा आए तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मतलब और दे रखा है इसके बारे में। तो भैया का मतलब क्या है, फॉर्म ऑफ एड्रेस फॉर एल्डर ब्रदर, तो बड़े भाई के लिए इसको यूज करते हैं। अच्छा चैप्टर खत्म नहीं हुआ अभी और है नीचे। अनिता डू यू नोटिस हाउ ही ड्रिंक्स वाटर, क्या तुमने नोटिस किया कि वो पानी कैसे पीता है। ही सक्स इट ऑल फ्रॉम द बकेट, एक ही बार में सारा हुआ सुर करके पूरा पानी से पी लेता है वो। ये देखो इसमें फोटो में दिखा रखा है, सुन डुबोता है बाल्टी के ना और एक बार में पूरा पी जाता है। महावत चिल्ड्रन वुड यू लाइक टू राइड अप्पू, बच्चों क्या तुम अप्पू के ऊपर बैठ कर इसकी सवारी करना चाहोगे, राइड यानी कि सवारी करना। एंड आई डोंट थिंक आई कैन बैलेंस माई सेल्फ ऑफ देयर, मुझे नहीं लगता कि मैं ऊपर अपना बैलेंस बना पाऊंगी, मैं तो गिर जाऊंगी। आई विल फॉल ऑफ अक्षिवास, और जैसे वो चलना शुरू करेगा मैं तो गिर जाऊंगी। महावत नो नो आई विल शो हाउ टू राइड एन एलिफेंट, नहीं नहीं मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक हाथी को कैसे चलाते हैं, कैसे उसकी सवारी करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। महावत इसके ऊपर बैठ के ऐसे हाथी को चलाता है, फोटो में दिख रहा है आपको। अनिता एंड सम अदर चिल्ड्रन टुगेदर, हाउ अनिता और बहुत सारे बच्चे से मिलकर हाउ, लेकिन कैसे। तो महावत क्या बोल रहा है, वेल वी हैव ए हौडा एंड मोर देन सिक्स चिल्ड्रन कैन इजिली फिट इन टू इट। तो हम तो महावत क्या बोल रहा है, हमारे पास क्या है, एक हौडा है। हौडा हौड़ा मतलब क्या होता है, हाथी के ऊपर टोकरी से रहता है। ये देखिए फोटो में नीचे दिखा रखा है, इसमें बच्चे बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर मार्क देखिए, मेरे माउस का मार्कर दिख रहे हैं, वो दिख रहा होगा आपको। ये बच्चे बैठे हुए हैं इसके अंदर, ये जो टोकरी का दिख रहा है इसको बोलते हैं अपन होड़ा। तो क्या बोल रहा है, वेल वी हैव ए होड़ा, हमारे पास एक होड़ा है एंड मोर देन सिक्स चिल्ड्रन कैन इजिली फिट इन टू इट, और छह लोगों कम से कम छह बच्चे तो उसमें आसानी से आ जाएंगे, छह से ज्यादा बच्चे उसमें आसानी से आ जाते हैं मतलब। तो कम ऑन चिल्ड्रन आई विल टेक यू पर नाइस एलिफेंट राइड, चलो बच्चों मैं तुमको एक अच्छे नाइस एलिफेंट राइड पे लेके जाता हूँ, एक अच्छी हाथी की सवारी करने के लिए लेके जाता हूँ। अप्पू विल बी ग्लेड टू, और अप्पू को भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो ऐसा बोल के वो सारे बच्चों को होड़ा में चढ़ा देता है, सारे बच्चे आ जाते हैं उसके अंदर और फिर सब एक गांव की सैर करने के लिए निकल जाते हैं। सो अनिता अंजुम आरिफ बाला भोला ऑल टुगेदर ऑल गेदर अराउंड द महावत एंड हेल्प्स देम क्लाइंब ऑन द एलिफेंट्स बैक। तो सारे जो हैं वो इकट्ठे हो जाते, कौन कौन, अनिता अंजुम आरिफ बाला भोला, तो ये पांच जने ये सारे दोस्त हैं पांचों, तो ये लोग इकट्ठा हो गए और ये क्या बोला और टुगेदर गेदर अराउंड द महावत, महावत के आसपास खड़े हो गए और उन महावत को ने उनको हेल्प करी और उनको एलिफेंट के ऊपर चढ़ा दिया। एंड ही हेल्प्स देम क्लाइंब ऑन द एलिफेंट्स बैक, और एलिफेंट के ऊपर उनको चढ़ा दिया, क्लाइंब यानी कि चढ़ना। एंड सिट इन द होड़ा, और वो सब बैठ गए, किसमें बैठ गए, होड़ा में बैठ गए। दे आर एक्साइटेड एंड ए लिटिल स्केट टू, वो सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा उत्साहित है, लेकिन थोड़े से उनके अंदर थोड़ा सा डर भी है कि यार कहीं गिर नहीं जाए यार। स्केट टू अब अप्पू स्टैंड्स अप एंड स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड द पार्क, और अप्पू जो है वो जब कोई देखिए कोई बैठता कैसे हाथी के ऊपर, हाथी पहले नीचे बैठा हुआ रहता है फिर सब उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके बाद हाथी खड़ा होता है, और हाथी खड़ा हो तो आप उसके ऊपर चढ़ ही नहीं सकते, कैसे चढ़ोगे आप उसको उसकी सूंड के ऊपर पकड़ के चढ़ोगे, नहीं चढ़ सकते, और वो तो बच्चे हैं। फिर तो हाथी नीचे बैठा उस पर बैठे और फिर हाथी फिर खड़ा होता है, तो फिर क्या होता है कि अप्पू स्टैंड्स अप, अप्पू क्या होता है खड़ा होता है एंड स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड द पार्क, और खड़ा होकर वो पार्क की तरफ चलना शुरू करता है। द वेव आउट टू द अदर चिल्ड्रन हु आर फॉलोइंग देम, और जो जो बाकी बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं लोग, और वो लोग ऊपर बैठे बैठे वो चिल्ला रहे हैं उनको, वेव आउट टू द अदर चिल्ड्रन, उनको हाथ दिला रहे हैं, ए, 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 देखो हम हाथी पर बैठे हैं, तो चिल्ला रहे हैं उनके साथ। नाउ दे आर रियली हैप्पी, दे आर रियली हैप्पी, और इसी के साथ वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, वो बच्चे जो उसके ऊपर बैठे हैं वो भी, अप्पू भी बहुत खुश है और उनके साथ पीछे पीछे जो बच्चे दौड़ रहे हैं वो भी बहुत खुश है। तो बच्चे आपको मालूम ही है, बच्चे जब ऐसा हाथी आता है तो कितना उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, खुश रहते हैं बच्चे। बच्चे बच्चे हैं, हर चीज में खुशी ढूंढ लेते हैं, बड़े होने के बाद लोग पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं, उनकी खुशी पता नहीं कहाँ गुम हो जाती है। तो इसी के साथ हमने हमारे इस चैप्टर यानी कि अनिता फिट्स अप्पू को भी हमने सक्सेसफुली खत्म कर लिया है। लाइन बाय लाइन आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है आपसे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आता है कोई भी लाइन तो आप डाउट पूछिए कमेंट के बॉक्स के अंदर, हम आपको उसका जवाब देंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि मैं उतनी आसानी से और उतनी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको, कि अब इससे ज्यादा सिंपल तो और कौन क्या समझाएगा यार, उससे ज्यादा सिंपल तो आपको फिर कोई वीडियो करके दिखाए तो बोले कि हाँ भाई ये खाती जा रहा है या नहीं जा रही है, वैसा वीडियो को वैसा बच्चों को ज्यादा अच्छा समझ में आता है। लेकिन आप तो 8th क्लास 7th क्लास के बच्चे हैं, अगर आपको ऐसा दिखाएंगे तो फिर क्या, आपको समझना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि आपको बड़ी क्लास में वो हेल्प करेगा। तो इसी के साथ हमने जो है चैप्टर को खत्म कर दिया है। आपको अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा आपने। तो इसी के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।